नमस्कार दोस्तों, लीडर्स टुडे के इस प्रोग्राम में आज फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, लीडर्स टुडे ये किस लिए बनाया गया है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल लोगों से कुछ सीखें कि ये लोग इस लेवल तक कैसे पहुंचे हैं। और लीडर्स टुडे में हम पूरे भारत से ऐसे सक्सेसफुल लोगों को ढूंढ के आपके बीच में लाते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, इस बार आज हमारे प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे बिजनेसमैन, एक ऐसे प्रोफेशनल और एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी जिंदगी में अपने प्रोफेशन को प्यार कर लिया और उस प्यार की वजह से वो आज सक्सेसफुल हो गए। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं मिस्टर भारत गुप्ता जी से। भारत जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। तो भारत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे शो के बारे में, तो हम आपकी जिंदगी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे इसमें, ताकि हमारे दर्शक कुछ सीख सके कि आपने अपनी जिंदगी कहां से शुरू की और आज आप किस मकाम पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, आपका बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। कभी दोस्तों से मिलना, कभी जिंदगी के नए पहलू समझना और समझाना, कभी हर पल को एक उत्सव की तरह जीना, यही तो है जिंदगी। आइए और जिए हमारे साथ जिंदगी का हर रंग। हम हैं जिंदगी दिल्ली, दिल्ली का एक जाना माना विमेंस क्लब। जी मैं हिसार हरियाणा में पैदा हुआ जी, वहीं पर 8th क्लास तक मेरी कैंपस स्कूल से एजुकेशन हुई। उसके बाद मैं इधर दिल्ली आ गए हम लोग, पिताजी का काम इधर शिफ्ट हो गया था जी, तो हम लोग दिल्ली आ गए फिर। ओके, तो आप हिसार के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल ये, दिल्ली आकर आपको कैसा लगा? हिसार से दिल्ली हालांकि बहुत दूर नहीं है, बट फिर भी मैं मतलब जानना चाहता हूँ क्या आपको कुछ फर्क महसूस हुआ दिल्ली आकर? हाँ, मेरे को अच्छा भी लगा और कुछ चीजें मैं मिस करता हूँ अभी भी। अच्छा, आप अभी भी मिस करते हैं? ऑफ कोर्स, बड़े शहर और एक छोटे शहर में फर्क तो है जी। मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करता रहा। ओके, बहुत अच्छा स्कूल था, कैंपस स्कूल जी जी जी, मैं हमेशा उसको मिस करता रहा। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। ओके, तो जैसा कि मैं जानता हूं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? जी मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे हैं। अच्छा जी। हांसी में दुकान थी हिसार के कुछ दूरी पर। ठीक है जी। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वहीं पर मैं जाता रहता था और अच्छा लगता था, मजा आता था कुछ ना कुछ करने में। ओके, तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ अपने पिताजी की दुकान पर जाते थे? हाँ, बीच बीच में कभी कभी जाता था। ओके, उस टाइम तो बहुत छोटे थे, तो उस टाइम तो शौक की वजह से। हाँ जी, हाँ जी करता है। तो वो जो चीज थी जब आप जाते थे तो वही आपके मन में बैठ गया कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इस लाइन में करना है। उस टाइम मैं इतना छोटा था कि आदमी को पता नहीं होता कि मेरे को क्या करना है। ओके, बट आपको अच्छा लगता था, यानी कि वहां पर जाकर मजा आता था। गुड। सो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाना, पिताजी से कभी कभी बीच में कभी मिलना और अब मजा आना, वहां से लेके होम थिएटर्स की फील्ड तक आप कैसे पहुंचे? जी जब दिल्ली में मेरी एजुकेशन और ग्रेजुएशन हो गया जी, तो मैं यहाँ पर भी दिल्ली में अपने पिताजी के साथ ही ज्वाइन करा मैंने अपना बिजनेस कैरियर। और मैं साइड बाय साइड कॉलेज भी जाता था और पिताजी के साथ काम भी करता रहा। और फिर धीरे धीरे मतलब ये हुआ कि मैंने शुरुआत में प्रोजेक्टर लैंप्स का काम शुरू करा काफ़ी साल, 6-7 साल। और वहीं पर एक बार हैदराबाद की डीलर मीट थी, वहीं पर वो लोग डिस्प्ले कर रहे थे होम थिएटर सेटअप। ओके, तब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को लगा कि ये चीज़ तो लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि ये एक लग्जरी है और दूसरा अपने घर में रह के आदमी उसका भरपूर मजा ले सकता है। क्रिकेट मैच को बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो, मूवीज को देखने का मजा बिल्कुल बदल गया, एकदम अलग लेवल का एक्सपीरियंस था और वो हमेशा मेरे को आगे पुश करता रहा। राउंड टेबल इंडिया 18 से 40 साल के यंग अचीवर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लक्ष्य है मानव सेवा, आपसी मेल जोल और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ना।
फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के परचम तले देश को समर्पित है आरटीआई। तो यानी कि हैदराबाद में आपने जो सेटअप देखा होम थिएटर का जी। आपको एक विजन मिला कि जी फ्यूचर में आने वाले समय में इंडिया में ये बिजनेस काफी ज्यादा चल सकता है। हाँ बिल्कुल, मेरे को काफी अच्छा लगा और मेरे को लगा कि इसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं जी, और वहां से मेरे को लगा कि यही अपने कैरियर को और आगे लेके जाएगा। ओके, यहां मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, कई बार हम लोगों की लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर हमारी एक इनर फीलिंग होती है और हमें महसूस होता है कि आने वाले समय में ये फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है, और जिस भी इंसान ने उन फीलिंग्स को पकड़ लिया वो एक नई शुरुआत करके बहुत आगे पहुंच सकता है, जैसा कि भारत गुप्ता जी की लाइफ जर्नी से हमें सीखने को मिला। तो आपने बताया कि वहां पर आपको बहुत अच्छा लगा, तो अब होम थिएटर की आपने कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स ली? हाँ जी, मैंने THX का सर्टिफिकेशन करा लेवल 1 और 2। ओके, उसके अलावा CDIA सर्टिफिकेशन करा जी, और कुछ लोग थे जो 15 साल 20 साल का जिनको एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ काम करते रहे, उनसे काफ़ी सीखा मैंने, और अब काम करते करते भी सीखते हो खुद भी जी। तो सारी चीज़ों को मिला के मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस बन गया, और मेरे को शौक है कि अलग अलग जगह पर जाके जिस जिस कंपनी के जो स्पीकर्स आ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो सकती है, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग है, ठीक है जी, एक लिसनिंग अलग है, उसकी चॉइस है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही स्पीकर सभी लोगों को पसंद आएगा, तो फ़र्क पड़ता है ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से, जाने से, सारी चीज़ों का फ़र्क आता है। RTI, an organization since 1962 but comprised by young achievers of age between 18 to 40 years. With the motive to spread freedom through education in India, RTI spearheads to achieve its objective of community service, self-development, fellowship and fostering international relations. जी, तो आप ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जी बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा भारत जी, कि आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस जो पिछले शायद 12 से 15 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो होम थिएटर खरीदते समय यदि हमारे दर्शक, ये एक नई चीज है हम सभी के लिए जी, इसकी इतनी डिटेलिंग, इसकी स्पेसिफिकेशन एक आम आदमी को नहीं पता है, सो होम थिएटर खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि सामने वाले को कितना शौक है, वो म्यूजिक पसंद करता है या सिर्फ मूवीज देखना पसंद करता है, उसके हिसाब से स्पीकर की अलग अलग चॉइस रहती है। उसके अलावा रूम कितना बड़ा है, डेडिकेटेड होम थिएटर रूम बनाना चाह रहे हैं या फिर वो एक लाउंज के अंदर लगाना चाह रहे हैं, इस चीज का फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जी, कितना ओवरऑल बजट है, कितना पैसा खर्चना चाहते हैं, सब चीजों में उसको एलोकेट करना पड़ता है। फिर स्पीकर की चॉइस है, कुछ लोग चाहते हैं कि स्पीकर बिल्कुल ना दिखे, कुछ लोग ऑन वॉल स्पीकर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोग टावर स्पीकर के ऊपर जाते हैं, तो इतनी वैरायटी है, वो सारी थोड़ा सा आदमी को जाने से, देखने से पता चलता है, और एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने कौन सा स्पीकर किधर सुना, कैसा लगा जी, इन चीज़ों का काफ़ी फर्क पड़ता है। हर एक चीज़ मैटर करती है, रूम की एस्थेटिक्स, आप क्या क्या पसंद करते हैं, सारी चीज़ें मिला के ही एक विज़न बनता है, और उसी के हिसाब से आदमी को अपना थिएटर बनाना चाहिए। नहीं, मान लेते हैं कि कोई एक थिएटर बनाना चाहते हैं जी, कोई भी एक हमारे इंडिया में, तो वो कैसे पता करेंगे, कहाँ से पता करेंगे, कैसे फील करेंगे, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे वो, ये कहाँ होम थिएटर्स के, क्या जगह जगह पर हर सिटी में इसके एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं? MGI डेवलपर्स अलवर में लाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 1 BHK से 3 BHK केवल 6,89,000 से 12,99,000 के बीच। कॉल करें 9811015550। मेट्रो सिटीज हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, हर एक मेट्रो सिटीज में हैं, और उसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है तो हम लोग तो हैं ही, आप हमारी वेबसाइट पर के थ्रू हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे मोबाइल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं जी, वी कैन कम टू योर प्लेस, या आप भी हमारे पास आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर होम थिएटर अगर आपको तैयार करना है, आपको घर पे कमर्शियल सिनेमा का मजा लेना, तो एक बार पहले एक्सपीरियंस करना जरूरी है कुछ भी फाइनल करने से पहले। हाँ, और कमर्शियल सिनेमा से ये बहुत बेटर होता है, कमर्शियल सिनेमा उतना अच्छा नहीं दिखा पाता जितना आप एक घर में मजा ले सकते हो।
ओके, ये बात तो फैक्ट है कि आप अपनी मर्जी से, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप मूवीज देख रहे हैं या मैचेस देख रहे हैं, तो ये बात तो फैक्ट है। बिल्कुल, इसके अलावा भी जी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो का जो एक्सपीरियंस मिलता है सराउंड साउंड का, वो शायद किसी भी कमर्शियल सिनेमा में वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, वंडरफुल। तो सर ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, मैं थोड़ा सा, मेरे मन में एक सवाल और भी आया कि ये होम थिएटर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है, मीन्स कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? सिर्फ अगर ऑडियो और वीडियो की बात करें जी, तो एक स्टार्टिंग रेंज आप मान सकते हो 3 लाख रुपए से, 3.5 लाख रुपए से ऑडियो एंड वीडियो। जी जी, ऑडियो और प्रोजेक्टर या स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, तो वहां से शुरू होके ऊपर की कोई रेंज नहीं है। नॉर्मली आप ये देखिए, एक एवरेज में थिएटर 15 लाख 20 लाख रुपए तक के चलते हैं, 60 लाख के हैं, 70 लाख के हैं, 1 करोड़ के हैं, 1 करोड़ से ऊपर के हैं, तो कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, कितना शौक है आप, कितना खर्चना चाहते हैं, कैसा मजा लेना चाहते हैं, उसी के ठीक से ठीक ठीक। ओके, सो ये तो रहा होम थिएटर्स के बारे में। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, जो आपकी ये 15 साल की जर्नी है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत इजीली आपका बिजनेस बढ़ता चला गया, बिजनेस में उतार चढ़ाव दोनों चीजें आती हैं, सो अप्स एंड डाउन्स को आपने कैसे हैंडल किया अपनी इस जर्नी में, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सभी की लाइफ में ये होता है कि बिजनेस शुरू किया, अप हुआ, लेकिन बीच में डाउन भी जाता है, तो उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया? एमजे डेवलपर्स अलवर में लाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 1 BHK से 3 BHK केवल 6,89,000 से 12,99,000 के बीच। कॉल करें 9811015550। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत के अंदर हम लोग करते थे 7-8 लाख 10 लाख से ऊपर के ही थिएटर करते थे जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लोअर रेंज को भी खोला कि उसके मार्केट साइज ज़्यादा बड़ा है और लोग कराना भी चाहते हैं, तो पहले हम मना कर देते थे, अब मना नहीं करते हैं, उसकी वजह से काम बढ़ जाता है सबसे पहले। दूसरी बात यह कि हम लोगों ने प्रोफेशनल ऑडियो अपने साथ ऐड कर लिया। प्रोफेशनल ऑडियो में मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, 15,000 करोड़ का इंडिया का मार्केट साइज है प्रोफेशनल ऑडियो। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, प्रोफेशनल ऑडियो से मींस आप किस तरह? एड्रेस सिस्टम, इंस्टीट्यूट्स। ओके, इंस्टीट्यूट्स, ठीक ठीक, आपके एमवी थिएटर्स जी जी, बहुत चीजें हैं जी, रेस्टोरेंट्स हैं, टेंपल्स हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो 15,000 करोड़ का आपने बताया कि प्रोफेशनल ऑडियो का मार्केट है जी। रेजिडेंशियल ऑडियो होम थिएटर का मार्केट साइज 300 करोड़ है, तो उसमें ओवर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो छोटे सिस्टम है, हम सोनी फिलिप्स काउंट नहीं कर रहे हैं और ये चीजें काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर प्योर होम थिएटर की बात कर रहे हैं। ओके, सो आपने जब बिजनेस में डाउन देखा तो आपने एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली जी। वंडरफुल दोस्तों, इसी ही कहा जाता है कि हर एक मुसीबत के साथ, हर एक प्रॉब्लम के साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जुड़ी होती है, जो कि हमारे भारत गुप्ता जी ने ढूंढी और चुनी। अब एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग एंटरप्रेनर्स हैं या एंटरप्रेनर्स बनना चाहते हैं, या कुछ लोग जो आपकी फील्ड में एंटर करना चाहें, जिनका इंटरेस्ट हो और जो आपकी फील्ड में एंटर करना चाहें, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अच्छी लाइन है, कोई भी आदमी 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाना चाहे तो इजीली कमा सकता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करके भी। और उसके अलावा अगर कोई सीरियसली इस काम को करना चाह रहा है, तो वो किसी भी, जैसे हम लोग जैसे हैं कर रहे हैं, तो किसी के यहाँ पर जाके सीख सकता है। अदरवाइज इंडिया से बाहर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, बीच बीच में वो लोग इंडिया में आते रहते हैं, उनसे सीखिए और अपने काम को करने से आदमी सीखता है, एक्सपीरियंस लोगों के बीच में रहने से सीखता है। और आजकल तो गूगल के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब के ऊपर, जब आपका पैशन होगा तो आप सीख ही जाएंगे जी जी। तो ज़रूर इसमें फ्यूचर अच्छा है और मार्केट साइज बढ़ा है, अभी तो इंडिया के कितने घरों में गया है, कुछ भी नहीं जी, अब भी तो मार्केट साइज बढ़ेगा काफ़ी। वंडरफुल, तो दोस्तों जैसा कि हमने इस डिस्कशन में देखा, और मैं भारत गुप्ता जी के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ नोट कर रहा था, इन्होंने सीखने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि आप सीखें, यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें, ट्रेनिंग से सीखें, अगर आपको किसी के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिले वहाँ से सीखें। और ये बात फैक्ट है फ्रेंड्स, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सीखना ज़रूरी है। इसी तरह से
सक्सेसफुल लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे हर हफ्ते। और फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहिए। और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा, यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आप लीडर्स टुडे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।